हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, उसी को लेकर दोनों सियासी पार्टियों ने अपने अपने तरीके से चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। इसी के चलते डलहौजी से कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और विधायिका आशा कुमारी ने अपने निवास स्थान जनेंद्र घाट में पत्रकार वार्ता के दौरान उपचुनाव को लेकर अपना पक्ष रखा। आशा कुमारी ने प्रदेश की जयराम सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह से प्रदेश में जयराम सरकार की अगुवाई में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है, उसका जवाब इन उपचुनावों में देखने को मिलेगा। आशा कुमारी ने कहा कि 3 विधानसभा उपचुनाव और 1 लोकसभा उपचुनाव पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करेगी। साथ ही उन्होंने कहा 2022 के विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं, ऐसे में 2022 में भी कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ हिमाचल प्रदेश में सत्ता पर काबिज होगी। पार्टी पूरी तरह से तैयार है। 3 उपचुनाव विधानसभा के हैं, 1 अर्की फतेहपुर और 1 जुबल कोटखाई, और 1 चुनाव जो है वो सांसद के लिए है मंडी, जहाँ से रामस्वरूप जी की कथित तौर पे जो उन्होंने आत्महत्या की थी। तो कांग्रेस पार्टी तो पूरी तैयारी में है और हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी बहुमत लेगी और जीत हासिल करेगी। देखिए, सेमीफाइनल तो कोई होता नहीं है, समय समय पे अलग अलग चीज़ों का अलग अलग असर होता है, मगर आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के इस राज में, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की सरकार है चाहे दिल्ली की सरकार है, जिसको ये अपनी डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, तो अगर आप देखें तो महंगाई आज आसमान छू रही है, बेरोजगारी जो है बढ़ती जा रही है, लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है, और महंगाई में अगर हम देखें खास करके जो घर का बजट है वो पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। गैस का सिलेंडर 1000 रुपये, सरसों का तेल 220 रुपये, दालें, अन्य खाद्य पदार्थ, और सबसे अभी हैरानी की बात यह है कि खाद्य पदार्थों पे अब सरकार ने GST लगा दिया है। आगे आने वाले समय पे खाद्य पदार्थों पे 5% GST लगेगा, सब्जी पर भी लगेगा, तो निश्चित तौर से उस पे और महंगाई बढ़ेगी। तो लोग इनसे परेशान हैं, लोग इनसे त्रस्त हैं, और देखेंगे आप कि जब हमारे सामने नतीजे आएंगे विधानसभा के बाई इलेक्शंस के और पार्लियामेंट का जो एक बाई इलेक्शन है, और इसके बाद 2022 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार जो है पूर्ण बहुमत से, भारी बहुमत से बनेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार की नीति और नियत दोनों में खोट है। अगर आप देखें तो PWD में 82 JEE लगे थे, उसमें से सुप्रीम कोर्ट ने इनकी नीति के खिलाफ फैसला दिया और हमारे 56 बच्चे जो हैं वो 2 साल नौकरी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट की आदेश अनुसार बाहर हो गए। ये इसलिए हुआ कि इनकी गलत नीति थी। अभी जो चुनाव के चयन के रिजल्ट आए हैं उसमें कुछ लोग, 16 या 15 लोग जो हैं वो बिहार से हैं या अन्य प्रदेशों से हैं। इससे ये साफ नज़र आता है कि हिमाचल प्रदेश के जो बेरोजगार युवा हैं उनके प्रति ये सरकार गंभीर नहीं है। इस तरह की हमेशा जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो बाहरी राज्यों से भर्तियां जो है वो शुरू हो जाती हैं। हमारा सरकार से आग्रह रहेगा कि ये जो भर्तियां हुई हैं इनको रद्द किया जाए और एक बार फिर से हिमाचल के युवाओं को जो है मौका दिया जाए।